थर्ड लाइन का प्रोजेक्ट जो है वो काफी जगह से आम ट्रैफिक के साथ चलेगा, जैसे कि ये सामने वाला जो पुल है। और यहाँ पर कितना काम हो चुका है BRT रेड लाइन का, इस वाले हिस्से पर अभी BRT रेड लाइन का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर फिलहाल लेबर मौजूद है जो बुनियादी सतह पर सरियों का फ्रेम तैयार। यहाँ से बड़े लेवल पर खुदाई किया गया है और ये नीचे देख लें पानी वगैरह भर चुका है। यहाँ पर एक पुल तैयार किया जा रहा है जो क्रॉसिंग पुल होगा, चारों तरफ से गाड़ियां। करें यहाँ पर भी पानी वगैरह निकाला जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों बारिशें हुई है। टैंकर वगैरह मौजूद है जो पानी डाल रहा है, इसके साथ ही मशीनें हैं लेवल करने वाली मशीन। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी वाले रोड पर मौजूद हूं और ये सड़क सीधा जेल चौरंगी की तरफ लिंक करता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आज BRT रेड लाइट एक्सपो सेंटर की साइट से कुछ आगे तक के मनाजिर शेयर करूं जो नीपा चौरंगी लगता है। यहां आप सबसे पहले चेक करें, मैंने पिछली व्लॉग में आपको मैंने जेल चौरंगी के मनाजिर शेयर किए थे, लेकिन आज मैं यहां राइट साइड से टर्न लूंगा और यहां पर कितना काम हो चुका है BRT रेड लाइन का और लोग कितनी अजियत में हैं वो भी आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगा। यहाँ पर आप देखें कि जैसे ही मैं राइट साइड पर टर्न लेता हूँ, टर्न लेने के बाद ये रोड जो है काफ़ी खुला डुला है, क्योंकि आगे चलकर लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस वाले हिस्से पर अभी BRT रेड लाइन का कोई काम नहीं हुआ। तो इसलिए ये वाला हिस्सा जो है वो स्पेस जो है यहाँ का छोटा है, लेकिन जैसे मैं आगे गुजरूँगा वहाँ से स्पेस बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये वही BRT रेड लाइन है जो नुमाइश चौरंगी से मलिर हाट तक का सफ़र आप इस ट्रैक के ज़रिए इन फ्यूचर कर पाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस जो है वो बढ़ चुक, दो लिंक रोड बना दिए गए हैं, एक रोड जो ये राइट साइड पर है जाने वाला रोड और लेफ्ट साइड पर भी एक रोड मौजूद है जाने वाला। यहाँ पर ये आप चेक करें, ये सेंटर से BRT रेड लाइन का प्रोजेक्ट गुजर रहा है। यहाँ के मनाजिर आप ड्रोन शॉट के ज़रिए भी देखेंगे, जबकि कुछ मनाजिर जो है वो मैं आपको मोटो ब्लॉग के ज़रिए भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर स्टेशन के लिए कुछ काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा। यहाँ पर फिलहाल लेबर मौजूद है जो बुनियादी सतह पर सरियों का फ्रेम तैयार होने के बाद उस पर शटरिंग बांध रही है। यहाँ पर शीटें लगी हुई हैं, जबकि यहाँ से आप चेक करें काफ़ी बड़े लेबर पर खुदाई किया गया है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा, ये चेक करें, यहाँ से बड़े लेवल पर खुदाई किया गया है और ये नीचे देख लें पानी वगैरह भर चुका है। यहाँ पर एक्सकेवेटर मशीन मौजूद है, एक एक्सकेवेटर मशीन मौजूद है जो इस वक्त खुदाई के लिए काम करेगी, लेकिन अभी बंद है। यहाँ पर सामने BRT ट्रैक पर दाखिल होने के लिए गेट मौजूद है, लेकिन मैं सड़क से चलता हूँ और वहाँ के मनाजिर शेयर करता हूँ। ये देख करें, यहाँ पर बड़े बड़े टावर्स के तौर पर स्टेशन बनाए जाएंगे। यहाँ पर ये चेक करें कि यहाँ पर नीचे बुनियादों वगैरह का काम हो चुका है। आगे क्रेन मशीन मौजूद है जो इस वक्त कुछ उठाने का काम कर रही है, वहाँ से मैं आगे चलकर आपको चेक कराता हूँ कि क्या हो रहा है वहाँ पर। जगह जगह पर बैनर लगे हुए हैं कि स्लो गाड़ी चलाएं, स्लो का एक बैनर लगा हुआ है। इस जगह पर भी आप देखें तो अंदर का तो कुछ इतना साफ क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर पानी भरा हुआ है और सरियों का फ्रेम वगैरह तैयार हो चुका है।
यहाँ पर एक पुल तैयार किया जा रहा है जो क्रॉसिंग पुल होगा, चारों तरफ से गाड़ियाँ जो है इसके ऊपर रोड क्रॉस करने के लिए ये पुल काम में आएगा। यहाँ पर देखें बुनियादों का काम यहाँ से मुकम्मल किया गया था इस सामने वाली जगह से, और वहाँ पर भी लेबर मौजूद है। यहाँ पर यह सामने क्रेन मशीन है जो इस वक्त यहाँ पर नीचे बुनियादों का काम में इस्तेमाल में लिया जा रहा है। यहाँ पर ये दो पिलर यहाँ पर बने हुए हैं, एक पिलर इसके पीछे बना हुआ है, वो चेक करें वहाँ पर। यहाँ पर दो पिलर्स तैयार कर लिए गए हैं, ये बेसिकली क्रॉसिंग पुल के तौर पर इस्तेमाल में आप लेंगे। यहाँ पर ये चढ़ाई के ऊपर काम हो रहा है जहाँ से गाड़ियाँ चढ़ेंगी, सरियों के फ्रेम वगैरह तैयार किए जा रहे हैं, शटरिंग बांधी जा रही है। माशाल्लाह से यहाँ पर चेक करें बुनियादों के लिए बड़ी बड़ी जगहें जो है वो घेरी गई हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप चेक करें यहाँ पर भी ब्रिज पाइलिंग के लिए काम मुकम्मल करके पिलर्स खड़े कर दिए गए हैं और आगे जो है पूरा काम चल रहा है। एक्सकेवेटर मशीन मौजूद है, जहाँ जहाँ पिलर्स बनाए गए थे वहाँ पर खड्डा हुआ हुआ है और वो पूरी जगह जो है वो फ़िलहाल बंद किया गया है ब्लॉक्स लगा के, ताकि यहाँ पर जो बड़े खड्डे हैं उसको देखा जा सके। यहाँ पर देखिए अंदर भी बुनियादों का काम जो है वो चल रहा है, इसके साथ ही एक्सकेवेटर मशीन यहाँ पर मौजूद है, क्रेन वगैरह, और ये देखें टम्पर मशीनें मौजूद हैं, काम चल रहा है यहाँ पर फ़िलहाल। ये मेन यूनिवर्सिटी वाला रोड है जो नीपा चौरंगी की साइड से आ रहा है, हसन स्क्वायर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक यू टर्न है काफ़ी बड़ा और इसी तरीके से पुल के ज़रिए भी बनेगा। सामने बैनर वगैरह लगा हुआ है, एहतियाती तदाबीर जो है वो खंभों के ज़रिए लगाए गए हैं। अभी तकरीबन 5 बजे का टाइम हो रहा तो इस कोई खासा ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा। चेक करें यहाँ पर भी पानी वगैरह निकाला जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों बारिशें हुई हैं। यहाँ पर लेवल फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, सड़कें फिनिशिंग की जा रही है, जो BRT रेड लाइन पर सड़क तैयार होगी उसके लिए फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। सामने टैंकर वगैरह मौजूद है जो पानी डाल रहा है, इसके साथ ही मशीनें हैं लेवल करने वाली मशीनें हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर तमाम मशीनें मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। आगे भी आप देख सकते हैं काफ़ी आगे तक का ट्रैक तैयार हो चुका है। यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की बस गुजर रही है, सिंध गवर्नमेंट की एम्बुलेंस गुजर रही है। अंदर भी देखें आप काफ़ी हद तक के फिनिशिंग का काम जो है वो मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ट्रैक तैयार किया जा रहा है, एक रूरल मशीन अंदर मौजूद है जो इस वक्त काम कर रही है। यहाँ पर भी काफ़ी चौड़ा रोड कर दिया गया है और यहाँ से जो गाड़ियाँ चलती हैं उस रोड पर थोड़े से गाटर जो है बढ़ा दिए, ब्लॉक्स वगैरह आगे की तरफ कर दिए। एक यू टर्न बनाया गया है कि परेशानी ना हो लोगों को यहाँ से गुजरने में, क्योंकि सामने उर्दू यूनिवर्सिटी है। ये चेक करें, ये खोला जाता है बाकायदा यूनिवर्सिटी के टाइम पर। ये स्टेशन वगैरह यहाँ पर बना हुआ है, बन रहा है। टी रोड लाइन का प्रोजेक्ट जो काफ़ी जगह से आम ट्रैफिक के साथ चलेगा, जैसे कि ये सामने वाला जो पुल है यहाँ पर भी रेड लाइन की जो बसीस है वो आम ट्रैफिक के साथ चलेगी। यहाँ से आप इस साइड से वाजे ही देख सकते हैं कि अंदर क्या क्या काम किया जा रहा है। यहाँ पर भी एक स्टेशन तैयार किया जाएगा जिसके लिए बुनियादों का काम मुकम्मल हो गया। सामने ही उर्दू यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर ये काम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ तक का लेवल कटिंग का काम यहाँ पर मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि पर एक काफ़ी बड़ा सर्कुलर रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जो कि उर्दू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। सामने ही सिंधबाद, इसके सामने रोड क्रॉस करके सिंधबाद है काफ़ी बड़ा, और इससे आगे थोड़ा सा आप जाते हैं तो नीपा चौरंगी आ जाएगा।